हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो एनिमल टिश्यू चैप्टर है उसके थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आज हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स कम होते हैं। तो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, एरियोलर के बारे में, एडिपोज के बारे में, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइडेड होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, और जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स हमने जान लिया था पिछली क्लास में, तो उसका जो मैट्रिक्स होता है वो मिनरलाइज्ड होता है और डेंस होता है। तो इसमें लूज मतलब उसका जो मैट्रिक्स होता है वो लूज नहीं होता, वो डेंस होता है और मिनरलाइज्ड होता है, और ये जो उसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है क्योंकि उसमें मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, इतना हमने जान लिया। और जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी को सपोर्ट करता है, जो हमारे पूरे होल बॉडी को ये सपोर्ट करता है। तो ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये जो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्केलेटल और एक फ्लूइड। तो स्केलेटल, अभी हम स्केलेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्केलेटल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कार्टिलेज और एक है बोन। तो अभी हम डिटेल में कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कार्टिलेज है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो होता है पेरिकॉन्ड्रियम। हमने ये जो पेरिकॉन्ड्रियम वर्ड है ये हमने पहले भी देखा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो हमने व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू YFCT, तो उसमें हमने जो शीत होता है उसमें पढ़ा था पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। तो यही यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो जो कार्टिलेज होता है उसका आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि YFCT से बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका जो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है इंटरसेलुलर मटेरियल्स, जो कि हमने पहले बात किया था पॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो सेम होता है, और ये सॉलिड होता है और प्लीएबल होता है। सॉलिड तो आपको पता है क्या होता है, प्लीएबल का मीनिंग हम जान लेते हैं। प्लीएबल मतलब कि अगर कोई सॉफ्ट ऑर्गन हो, कोई स्पॉन्जी ऑर्गन हो, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल हो। इसका एक एग्जांपल है आपका जो कान का ये पिन्ना होता है, ये देखिए आप, ये एक बोन है। हम सब इसको बोन नहीं समझते, लेकिन ये जो है ये वाला पार्ट ये एक बोन है, और ये सिर्फ देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये सॉलिड तो है लेकिन प्लीएबल है, ये फ्लेक्सिबल है और स्पॉन्जी टाइप का है, देख सकते हैं ये एक बोन है। और ये जो हमारा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, ये कंप्रेशन को रजिस्ट कर सकता है, इसके अंदर कोई भी कंप्रेशन हो ये उसको रजिस्ट कर सकता है। तो ठीक है, अब जानते हैं इसके सेल्स के बारे में। जो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कार्टिलेज को प्रोड्यूस करते हैं। मैं लिख देता हूँ, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो डिवाइड करके बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि होते हैं मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ये डिवाइड करते हैं और कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं, जो क्या होते हैं, मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं ताकि वो जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स बना सके। ये सिंथेसाइज करते हैं टू फॉर्म मैट्रिक्स। तो हमने इतना जान लिया, अभी हम चलते हैं लैक्यूना के बारे में जानते हैं थोड़ा,
क्या है लैक्यूना। जो लैक्यूना है वो एक स्मॉल कैविटीज होता है, स्मॉल कैविटीज मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल कैविटीज जिसके अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं मैच्योर सेल्स वो रहते हैं, जिसके अंदर वो एंक्लोज्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एक लैक्यूना में 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो एक लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इतना जान लिया, अभी हम जानते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट के बारे में। हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट है, अभी हम कॉन्ड्रोक्लास्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्ड्रोक्लास्ट, जो कॉन्ड्रोक्लास्ट है ये होता है कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, कार्टिलेज को जो डिस्ट्रॉय करता है उसे बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ठीक है, अभी हमने इतना जान लिया, तो अभी इसके बाद और थोड़ा जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज के, जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। इसका अभी इसका डायग्राम है ये हम जानेंगे, थोड़ा लिख देता हूँ मैं। जो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन, CONDRIN। ये जो कॉन्ड्रिन होता है ये बना होता है दो चीज़ों से, एक होता है कॉन्ड्रिन 6-फॉस्फेट और एक होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो मैंने आपको पहले बता रखा है हाइलुरोनिक एसिड। तो पहला होता है कॉन्ड्रिन 6-सल्फेट और एक होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जो मैंने आपको बता रखा है पहले, जो होता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया, तो इतना ही है जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे कार्टिलेज के। तो अभी हम इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये कार्टिलेज का, आप देख सकते हैं ये जो कार्टिलेज सेल्स हैं जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ये मिडिल में प्रेजेंट है और इनके चारों तरफ है कोलाजन फाइबर्स, जो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, अभी हम एक और चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर ब्लड नहीं जा सकते, वो मिनरलाइज्ड, मतलब मिनरलाइज्ड तो होता है लेकिन उसके अंदर ब्लड नहीं जा सकते, लेकिन जो पेरिकॉन्ड्रम है इसका जो आउटर कवरिंग होता है, पेरिकॉन्ड्रम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरिकॉन्ड्रियम, ये जो उसका आउटर कवरिंग होता है, हाँ इतना हमने लिख दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर ब्लड जा सकते हैं। तो जब पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर ब्लड जाते हैं तो डिफ्यूज़न के वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो अपने आप कार्टिलेज में चले जाते हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता क्योंकि उनके मैट्रिक्स में बहुत, उनका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है और मिनरलाइज्ड होता है और डेंस होता है, क्योंकि इसीलिए उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा सकते। तो डिफ्यूज़न की वजह से ब्लड वेसल्स उनके अंदर जाते हैं पेरिकॉन्ड्रियम से। तो ठीक है, हमने इतना जान लिया, अभी हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, क्या हो रहा है आजकल पता नहीं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, तो उनके बारे थोड़ा जान लेते हैं। पहला जो है हाइलैंड कार्टिलेज, फिर इलास्टिक कार्टिलेज, फिर व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज, फिर कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो हाइलैंड कार्टिलेज जो है ये मोस्ट कॉमन कार्टिलेज होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो मोस्ट कॉमन कार्टिलेज होता है वो हाइलैंड कार्टिलेज होता है। फिर थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ दिस कार्टिलेज। जब भी हम अपने मदर के वूम में होते हैं तो हम एम्ब्रियो होते हैं, तो जब भी हम डेवलप होते रहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में, तो जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होता है वो हाइलैंड कार्टिलेज ही होता है। सो मैक्सिमम बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर कार्टिलेज बोन्स बिकॉज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम कार्टिलेज। तो हमारा जो बॉडी में मैक्सिमम बोन्स हैं वो कार्टिलेजियस बोन्स ही होते हैं। तो इसके जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज इज ग्लास लाइक क्लियर, ये बहुत क्लियर दिखता है क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का कलर होता है ब्लूइश टाइप का होता है, थोड़ा लाइट ब्लूइश होता है, लाइट ब्लूइश।
और इसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। आपको पता होगा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट आपने सुना होगा पहले ही, जो लेस ट्रांसपेरेंट होता है, अभी लिखा भी गया, जो लेस ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक है नासाल सेप्टम, मतलब हमारे नोज के जो अंदर ये वाला पार्ट है उसके अंदर भी एक पाइपलाइन होता है, तो इसको नासाल सेप्टम कहते हैं, तो उसके अंदर पाया जाता है ये कार्टिलेज। फिर सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जो हमारा ट्रेकिया ब्रोंकाई इस जगह प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ पे जो सी शेप्ड रिंग्स होते हैं उसके अंदर ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। फिर देखते हैं स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, आपने रिब्स तो सुना होगा जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, तो उसका एक स्टर्नल पार्ट होता है। ये कहाँ कहाँ होता है ये हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। अभी आप जान लीजिए कि स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स में हेलन कार्टिलेज होता है, जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। तो ठीक है, अभी एक और दो एग्जाम्पल हैं, एक लैरिंगियल कार्टिलेज, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज। मैक्सिमम पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज कम्पोज ऑफ हेलन कार्टिलेज, जो लैरिंग्स होता है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो भी हमारा साउंड है वो सब लैरिंग्स से बनता है, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो हेलन कार्टिलेज से बना होता है। तो कुछ हम मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखा है, फैक्ट कि 9 में से 7 कार्टिलेज हेलन है, मतलब जो हमारा जो लैरिंग्स होता है उसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, उसमें से जो 7 कार्टिलेज हैं वो तो हेलन के ही होते हैं। जो हमारा 7 कार्टिलेज हैं, हमें लिखा है 7, 9 में से 7 कार्टिलेज हेलन होते हैं, तो ये हमने जान लिया। इसकी वजह से इसका नाम लैरिंगियल कार्टिलेज पड़ा, क्योंकि लैरिंग्स में होते हैं। अभी एक और देखते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन पेरिओस्टियम इज एब्सेंट एंड हेलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जो पेरिओस्टियम होता है वो हमने जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें पढ़ा था कि आउटर कवरिंग ऑफ बोन को पेरिओस्टियम कहते हैं। तो जो लॉन्ग बोन है, मतलब बोन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो लॉन्ग बोन है उसके जो एंड में पेरिओस्टियम एब्सेंट होता है, तो उसके जगह पे हेलन कार्टिलेज लग जाता है, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ पे कुछ इसके जो डायग्राम हो दिया गया, देख सकते हैं जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकॉन्ड्रियम है, और उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो सेल्स होते हैं, फिर मैट्रिक्स है, फिर लैक्यूना है जहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 1 से 4 प्रेजेंट होते हैं एक लैक्यूना में, हमने पढ़ चुका है। तो अभी ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के कार्टिलेज की तरफ चलते हैं, जो कि है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है उसमें येलो फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ही हाई फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। हमने पढ़ा है कि जो येलो कार्टिलेज होता है वो जो टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी इसके जो मैट्रिक इसका जो सॉरी थोड़ा कुछ भी हो जा रहा है आजकल, तो इसका जो मैट्रिक्स है उसमें येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बन जाता है ये। ये जो प्रेजेंट हो ये टिप ऑफ नोज में, ये जो टिप है हमारा, ये जो टिप ऑफ नोज वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ईयर पिन्ना मैंने आपको बताया, ये जगह ईयर पिन्ना, और एपिग्लोटिस एंड कार्टिलेज ऑफ सर्टोरिनी ऑफ लैरिंग्स। तो ये जो पार्ट है आप घबराइए मत, ये थोड़ा हाँ मानता हूँ थोड़ा ये सर्टोरिनी ऑफ लैरिंग्स थोड़ा और सुनाई दे रहा होगा आपको, एपिग्लोटिस भी, तो ये हम अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा 2 पैसेज होता है, एक लैरिंग्स के तरफ जाने का पैसेज यहाँ से, और एक जो होता है वो हमारे ओसोफेगस में जाने का पैसेज। ओसोफेगस में फूड जाता है, और लैरिंग्स में जो हमारा हम लोग सांस लेते हैं फिर हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो जाता है। तो हम कोई भी अगर खाना खाते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है वो रोकता है खाने को लैरिंग्स में जाने के लिए, तो एक तो फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है फूड को लैरिंग्स में जाने के लिए। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। और जो सेटोलिनी ऑफ लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स में एक फ्लैप होता है जो भी हेल्प कर रहता है कि ताकि साउंड प्रोड्यूस हो, ये भी हम पढ़ेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। और जो यूस्टेचियन ट्यूब होता है उसके वॉल में भी पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो ठीक है, अभी हम व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में चलते हैं। व्हाइट फाइबर्स तो आपको पता हो, जिसमें होता है कोलाजन फाइबर होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट बिकॉज कंप्लीट वायफिटी इज कन्वर्टेड इनटू कार्टिलेज। हमें बोला गया है कि जो पेरिकॉन्ड्रियम है, जो आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि जो वायफिटी है वो कन्वर्टेड इनटू कार्टिलेज, वो पूरा कार्टिलेज में कन्वर्ट हो गया होता है।
तो कुछ कुछ जो कार्टिलेज होते हैं, अगर उसमें पेरिकोंड्रियम एब्सेंट हो और जो जो वाई एफ सी टी हो, मतलब क्योंकि पेरिकोंड्रियम वाई एफ सी टी से बना होता है, जो वाई एफ सी टी हो कार्टिलेज में पूरा कन्वर्ट हो गया हो, तो उसे हम कहते हैं वाइट फाइबरस कार्टिलेज। इन मैट्रिक्स बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कि जो कोलाजन फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे जो टिश्यू को, तो इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बन जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं ये हम देखते हैं अभी। प्यूबिक सिम्फसिस होता है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे उस लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ये कनेक्ट करता है पेल्विक हेल्प्स और दो हमारी जो दो पेल्विक हेल्प्स होते हैं वो दोनों को ही कनेक्ट करता है। ये क्या होता है आप अभी सोच रहे होंगे, तो अभी मैं इतना डिटेल आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे नहीं तो। तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। अभी आप थोड़ा याद कर लीजिए कि जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है वो इधर इधर पाए जाते हैं। एक और जगह पाए जाते हैं जो कि है इन वर्टिब्रल डिस्क में। ए पैड ऑफ कुशन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक एंड जर्क्स एंड प्रोटेक्ट वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको प्रोटेक्ट करता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो उसमें भी ये पाए जाते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो एक और चीज़ है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इन वर्टिब्रल डिस्क इज सॉफ्ट कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, ये होता है रेडियोमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो हमारा जो बॉडी है वो इवोल्यूशन होके बना है, मतलब पहले हम कुछ अलग होंगे अभी हम कुछ अलग हैं। तो पहले जब हम इवोल्यूशन के पहले हमारा जो वर्टिब्रल डिस्क है जो पीछे होता है वो वर्टिब्रल डिस्क नहीं होता था, पहले होता था नोटोकॉर्ड। मैं लिख दे रहा हूँ नोटोकॉर्ड। तो जब इवोल्यूशन हुआ तो नोटोकॉर्ड धीरे धीरे चेंज होते गया और बन गया वर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रल कॉलम। तो उसका कुछ कुछ रेडियोमेंट या फिर कुछ ऐसे वेस्ट टाइप के रह जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। तो इतना ही है इसमें। अभी हम लास्ट तरह के कार्टिलेज में चलते हैं जो कि है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होता है ये मॉडिफाइड हाइलैंड कार्टिलेज ही होता है, क्योंकि इसमें जो क्योंकि जब हाइलैंड कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम कैल्सीफाइड कार्टिलेज बोलते हैं। और इसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड हो जाता है बोन्स की तरह, तो इसीलिए इसे एक हार्डेस्ट कार्टिलेज हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ के ऊपर कैल्शियम जुड़ गया तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए ये हार्डेस्ट कार्टिलेज बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा गया, कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है ये हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी तो आप थोड़ा याद कर लीजिए। कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है अभी हम आप याद कर लीजिएगा। प्यूबिस ऑफ फ्रॉक्स पेल्विक गिडल और हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमेरस। तो फीमर ह्यूमेरस क्या है ये हम लोकोमोशन मूवमेंट में आपको बताएंगे। और जो फ्रॉक्स का पेल्विक गिडल होता है तो इसमें भी ये पाया जाता है। तो ठीक है, अभी हमने पूरा कार्टिलेज को अच्छे से समझ लिया, इतना ही है। अभी हम बोन की तरफ चलेंगे, तो देखते हैं कि बोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है और वो कैसे बना होता है। सॉरी, तो मैं थोड़ा पानी पीने चले गया था। तो ठीक है, थोड़ा अभी हम बोन स्टार्ट करते हैं। तो बोन का जो आउटर कवरिंग है वो पेरिओस्टियम, उसका पेरिकॉन्ड्रियम था इसका पेरिओस्टियम। मैं लिख दे रहा हूँ, आउटर जो कवरिंग होता है वो होता है पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। और ये भी बना होता है WFCT, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने उधर पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पेरिओस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम दोनों वाई एफ सी टी से बने होते हैं। तो जो बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ये सेम ही है जैसे कार्टिलेज था, खाली नाम अलग है। बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये फिर डिवाइड करते हैं ऑस्टियो का, सॉरी ये डिवाइड करते हैं ऑस्टियोसाइट बनाने में, डिवाइड करते हैं ऑस्टियोसाइट बनाने में। ठीक है, और जो ऑस्टियोसाइट होते हैं ये अपने आप को सिंथेसाइज करते हैं ताकि मैट्रिक्स ऑर्गेनिक पार्ट को बना सकें, सिंथेसाइज टू फॉर्म ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स
किसका मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स, ठीक है। इतना हमने जान लिया, अभी हम जानते हैं कि लेक्यूना के बारे में। जो लेक्यूना हमने जो पढ़ा कार्टिलेज में पढ़ा था वही लेक्यूना इधर भी होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि इधर के लेक्यूना में, इधर जो लेक्यूना होता है उसमें सिर्फ एक ही एक ही ऑस्टियोसाइट होता है। वहाँ पे 1-4 कॉन्ड्रोसाइट थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, 1 ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट। और लेक्यूना क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि जो लेक्यूना होता है, आप देख लीजिए, स्मॉल कैविटीज होते हैं, इधर भी सेम ही है, स्मॉल कैविटीज जिसमें एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है एक ही लेक्यूना में। तो इतना जान लिया। जो बोन डेस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। वहाँ पे कॉन्ड्रियोक्लास्ट था, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा मेरा साउंड क्लियर नहीं होगा तो, ऑस्टियोक्लास्ट ये है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है, ये आपने जान लिया। और जो बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन उसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो जो भी हम बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस उसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। और जो बोन्स का जो स्टडी है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, बोन फॉर्मेशन को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ बोन्स है, स्टडी ऑफ बोन्स, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हमने जान लिया। अभी हम एक और चीज़ के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि जो उसका मैट्रिक्स होता है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ये नॉन प्लेएबल होता है। क्योंकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स था वो हार्ड होता है, लेकिन वो हार्ड था लेकिन वो प्लेएबल था, मतलब सॉफ्ट था, मतलब स्पॉन्जी था और फ्लेक्सिबल था। ये नॉन प्लेएबल होता है लेकिन हार्ड होता है, और इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और जो कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है उसमें कोलाजन प्रोटीन होता है, और इस जो प्रोटीन बोन में प्रेजेंट होता है उसे हम ऑसिन कहते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन इसे हम कहते हैं ऑसिन, OSSEIN, ठीक है। हमने इतना जान लिया, अभी हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो फीचर्स ऑफ बोन, इसके अगर फीचर्स ऑफ बोन की तरफ जानने से पहले आप बोन का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये NCERT का डायग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नीट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। अभी हम फीचर्स ऑफ बोन की तरफ चलते हैं। फीचर्स ऑफ बोन, तो जो बोन है वो हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम वेसल्स, कैपिलरीज सब जा सकते हैं, लेकिन कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स पूरा एब्सेंट था, उसके अंदर डिफ्यूजन से जाते थे। लेकिन जो बोन है वो हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है और वो मिनरलाइज्ड होता है, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो मिनरलाइज्ड होता है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड और रिजिड होता है। इसीलिए जो बोन है वो जो भी मैकेनिकल स्ट्रेसेस है या फिर जो भी केमिकल स्ट्रेसेस है उससे हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो बोन के अंदर कैनल सिस्टम्स होते हैं, ये हम अपने मतलब अभी जो आएगा उसके आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी जो बोन होता है उसके अंदर कैनल सिस्टम्स होते हैं, दो तरह के कैनल सिस्टम्स होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। और जो इसका जो पांचवा फीचर्स है वो ये है कि इसमें रीजेनरेटिंग पावर बहुत होता है, हाई रीजेनरेटिंग पावर। ठीक है, अभी हम बोन के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं बोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जो मेन जो बोन है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, ये हमको चलने में और मूवमेंट्स करने में हेल्प कराता है।
ये सॉफ्ट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा लिम बोन्स है, जो कि लॉन्ग बोन है, वो वेट बियरिंग फंक्शन का काम कर रहता है। मतलब अगर हम कभी भी चलते हैं तो सब जो भी प्रेशर पड़ता है हमारे पैर में पड़ता है, तो ये वेट बियरिंग फंक्शन में हेल्प कराता है। ये स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करता है और हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। हम जो भी हाथ हिलाते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये जो बोन है वो मसल्स के साथ इंटरेक्ट करके हमको मूवमेंट कराता है। और जो बोन मैरो है कुछ बोन्स का, वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम हीमोपोएसिस बोलते हैं। हीमोपोएसिस, इसको हम डिटेल में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को हीमोपोएसिस कहते हैं। तो जो बोन मैरो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ठीक है, अभी हम बोन के जो मैट्रिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट लिखा है ये हमने पढ़ लिया है कि जो मैट्रिक्स होता है बोन का, वो हार्ड होता है और नॉन प्लेएबल होता है, और इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। मैंने आपको बताया था जो कोलाजन फाइबर में कोलाजन प्रोटीन होता है उसको ऑसिन कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऑसिन, प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ बोन। तो ठीक है, अभी हम मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो 65-68% होते हैं, और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है और फ्लोराइड्स होते हैं। तो अभी हम एक टॉपिक है जो कि है डी कैल्सीफाइड बोन, उसके बारे में जानते हैं। अगर एक बोन को हम डायल्यूट HCl, मतलब उसके अगर एसिडिटी बहुत कम होगा, ऐसे HCl डायल्यूट HCl में अगर 3 दिन के लिए रख दें, तो उसका जो कंप्लीट मिनरल पार्ट होगा मैट्रिक्स का वो डिजॉल्व हो जाएगा और सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा, और इससे कि हमारा जो बोन है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी भी बोन को डायल्यूट HCl में 3 दिन के लिए रख दें, तो उसका जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा और सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट बचेगा। तो अभी ऑर्गेनिक पार्ट के बारे में जानते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो 30-35% होता है, जो कि ऑसिन होता है, प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, इन विच बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर सस्पेंडेड इन सल्फेट म्यूकोपॉलीसेक्राइड। मतलब जो भी कोलाजन फाइबर होते हैं एक बोन के अंदर, वो सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड में सस्पेंड होकर रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ ए बोन इज बर्नड और केप्ट इन वेरी हाई टेम्परेचर देन कम्प्लीट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन इज बर्नड। अगर बहुत हाई टेम्परेचर में या फिर उसको जला अगर किसी बोन को हाई टेम्परेचर में रखा गया या उसको जला दिया गया, तो उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो जल जाएगा और जो मिनरल पार्ट होगा वो एस बन के वहीं रह जाएगा, जिसको हम ड्राइड बोन कहते हैं। तो इतना ही था मैट्रिक्स ऑफ बोन में। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की तरफ चलते हैं। जो लॉन्ग बोन हमारे थाई बोन होता है, हमारा लेग बोन होता है, उसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं। तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिम बोन सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया रखा है कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो वेट बेयरिंग फंक्शंस काम करते हैं। तो उनके जो लॉन्ग बोन होते हैं वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं, एक एपिफाइसिस, एक डायाफाइसिस और एक मेटाफाइसिस। जो एपिफाइसिस होते हैं वो एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो लंबे बोन हैं उनके जो एंड होते हैं उसको एपिफाइसिस कहते हैं। और ये पार्ट, मतलब जो एंड पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, और एपिफाइसिस में हमको लैमेले मिलते हैं जो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होकर रहते हैं एक छोटे छोटे कॉलम्स में, जिनको हम ट्रैबेक्यूली कहते हैं, ट्रैबेक्यूली। और ये जो ट्रैबेक्यूली स्पेसेस होते हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं जो कि RBC प्रोड्यूस करते हैं। मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो रेड बोन मैरो है वो हीमोपोएसिस में काम कराते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स कराते हैं। तो ये देखिए रेड बोन मैरो जो RBC प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, हमने एपिफाइसिस के बारे में जान लिया, अभी हम जानते हैं डायफाइसिस के बारे में। जो मिडिल पार्ट होता है एक बोन का, या फिर इसको साफ्ट भी बोलते हैं लॉन्ग बोन का, उसके वो डायफाइसिस होता है। और ये उसका जो मिडिल पार्ट होता है
वो कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। मिडिल पार्ट मतलब जो डायफेसिस रीजन होता है उसमें होलो कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको मैरो कैविटी कहते हैं, और इसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसमें व्हाइट फैट से जो येलो बोन मैरो बना होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो मैट्रिक्स होता है वो हैवर्सियन सिस्टम कंटेन करता है। ये जो हैवर्सियन सिस्टम है ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी एक सिस्टम है जो दो कैनल्स को मिलकर बना होता है, तीन कैनल्स को मिलकर बना होता है सॉरी, ये हम अभी पढ़ेंगे। अभी आते हैं हम मेटाफाइसिस में। जो मेटाफाइसिस है वो स्मॉल पार्ट होता है एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में। तो हमने एपिफाइसिस डायफाइसिस पढ़ लिया, तो उसके बीच में एक स्मॉल पार्ट होता है जिसे मेटाफाइसिस कहते हैं। ये रीजन में एपिफाइशियल प्लेट होता है और ये बोन को एलोंगेशन करने में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? जब भी मेटाफाइसिस जगह में अगर ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन दिस प्लेट इज डिस्ट्रॉयड, मतलब इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। जब भी लॉन्ग बोन अगर अच्छे से डेवलप हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर एलोंगेशन ऑफ बोन की बात करें तो इसका बहुत बड़ा हाथ होता है मेटाफाइसिस। ये खुद को बड़ा करके बोन को एलोंगेट करने में हेल्प कराता है। तो ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ लिया, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मामालियन बोन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। तो ये चार टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक है पेरिओस्टियम, एक है पेरिओस्टियम, फिर दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है एंडोस्टियम और चौथा है बोन मैरो कैविटी। ठीक है, तो देखते हैं एक बार में बात करते हैं। जो पेरिओस्टियम होता है, पेरिओस्टियम का दो लेयर में डिवाइड होता है। पहला लेयर जो होता है वो YFCT से बना होता है, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर लेयर होता है, ये तो आउटर लेयर हुआ, जो इनर लेयर होता है उसमें सिंगल लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोन होता है उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो जो यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको बता दे रहा हूँ, तो ये अगर पेरिओस्टियम है तो इससे लगा हुआ ही, यहाँ पे अगर नीचे देखें तो इससे लगा हुआ ही एक हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होगा जो डिवाइड करके ऑस्टियोक्लास्ट और जो सिंथेसिस करके मैट्रिक्स बनाएगा। तो इससे लगा हुआ ही एक लेयर होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का जो डिवाइड करते हैं ऑस्टियोसाइट बनाने में और जो सिंथेसाइज करते हैं मैट्रिक्स और बोन बनाने में। तो इसमें इतना ही है। मैट्रिक्स की बात करें, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स दो चीज़ों से बना है, एक है इनऑर्गेनिक पार्ट और एक है ऑर्गेनिक पार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है, आ गया, हाँ ये देखिए, इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो 65-68% होता है और ऑर्गेनिक पार्ट जो है 30-35% होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है वो दो कैनल से बना होता है, मैं वो लिख दे रहा हूँ। जो मैट्रिक्स होता है वो दो कैनल से बना होता है, एक का नाम है हैवर्सियन कैनल और दूसरे का नाम है वोक्समैन कैनल। एक का नाम है हैवर्सियन कैनल, एक का नाम है वोक्समैन कैनल। जो हैवर्सियन कैनल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल कैनल होता है, मतलब ये जो टैबलेट है ये उससे लॉन्गिट्यूडनली बाहर आता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कैनल होता है जो पैरेलली लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन से पैरेलली वो कनेक्टेड होता है। और इसमें मतलब ये जो हैवर्सियन कैनल होता है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वोक्समैन कैनल होता है, ये दो हैवर्सियन कैनल, इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखा दूंगा, मतलब दो, ये अगर
ये तो हेवर्सियन कैनल है, तो इन दोनों को जोड़ेगा वोक्समैन कैनल। ठीक है, ये आपने जान लिया। तो अभी देखते हैं, एक डायग्राम है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोग अभी जो पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, उसका एक प्रॉपर डिटेल डायग्राम है, आप देख लीजिए। इसमें हर चीज़ पर डिटेल में दिया गया। अभी मैंने आपको जो पढ़ा है उसका डायग्राम रहा ये, आप देखिए। ये दो ठो हेवर्सियन कैनल है, ये देखिए हेवर्सियन कैनल, उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। और जो वोक्समैन कैनल है, ये दो ठो हेवर्सियन कैनल को जोड़ता है, आप देख रहे हैं। जो वोक्समैन कैनल है वो दो ठो हेवर्सियन कैनल को जोड़ रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो वोक्समैन कैनल होता है उसमें उसका जो मैट्रिक्स होता है वो एक लेयर का होता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर। तो लेयर के फॉर्म में ये यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मैट्रिक्स होता है वोक्समैन कैनल का इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर। दिस लेयर ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड लेमेली। तो लेमेली के बारे में हमने पहले भी बात किया है। और जो उसका जो मैट्रिक्स होता है वो लेयर के फॉर्म में होता है, और इस लेयर्स को हम लोग बोलते हैं लेमेली। तो इस लेमेली के अरेंजमेंट को लेकर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हेवर्सियन लेमेली, एक इंटेस्टियल लेमेली और एक सर्कमफेशियल लेमेली। तो देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो देखते हैं लेमेली के बारे में। तो पहला जो लेमेली है वो है हेवर्सियन लेमेली, तो इसके बारे में जानते हैं। कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स विच आर प्रेजेंट अराउंड हेवर्सियन कैनल। हेवर्सियन कैनल के अराउंड जो भी कंसेंट्रिक लेयर होता है मैट्रिक्स का, उसे हेवर्सियन लेमेली कहते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ये है हेवर्सियन लेमेली, ये जो साइड में है, और ये हेवर्सियन कैनल, ये हेवर्सियन कैनल है और ये हेवर्सियन लेमेली जो उसके साइड में कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं। मतलब ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं बोन के स्ट्रक्चर से एक जो सर्कल एक कट आउट किया गया है, उसको हमने जूम करके यहाँ से यहाँ जूम करके एक तो मतलब बहुत ही डिटेल फोटो यहाँ पे दिया गया है, डिटेल डायग्राम है ये, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपने जान लिया। बिटवीन दिस लेमेली लेयर ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इन लेमेली के अंदर ऑस्टियोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट मतलब मैच्योर सेल्स ऑफ बोन, मैंने आपको पढ़ा रखा है। और हेवर्सियन कैनल, हेवर्सियन लेमेली और ऑस्टियोसाइट को मिलके हम लोग हेवर्सियन सिस्टम बोलते हैं, इसको ऑस्टियन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेजेंस ऑफ हेवर्सियन सिस्टम होता है वो मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन के लिए बहुत ही टिपिकल फीचर है, मतलब बहुत ही नायाब फीचर है हिंदी में बोले तो। तो ठीक है, जो ऑस्टियोसाइट होता है वो लेकिना में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में बता दिया था इसके इंट्रोडक्शन में। और जो ऑस्टियोसाइट होता है वो विद एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट से इंटरकनेक्टेड होता है बाय द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से मिला होता है एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है ऑस्टियोसाइट का, ये माइन्यूट कैनल्स ऑफ लेक्यूना में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कैनालिकुली बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कैनालिकुली वो होता है, मतलब अगर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है ऑस्टियोसाइट का, वो लेक्यूना के माइन्यूट कैनल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कैनालिकुली बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इंटरस्टियल लेमेली की तरफ आ जाते हैं। दिस लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, हम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम इंटरस्टियल लेमेली के बारे में पढ़ रहे थे। तो दिस लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन टू हेवर्सियन सिस्टम। तो हमने जो अभी हेवर्सियन सिस्टम पढ़ा, ये रहा हेवर्सियन कैनल, हेवर्सियन लेमेली और ऑस्टियोसाइट को मिलकर जो बना होता है, तो उनके बीच के स्पेस में जो प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टियल लेमेली कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो इंटरस्टियल लेमेली, ये रहा, ये जो यहाँ प्रेजेंट है, ये दो ठो जो कैनल है हेवर्सियन कैनल, हेवर्सियन सिस्टम, उसके बीच में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, सर्कमफेरेंशियल लेमेली। इसके नाम से पता चल रहा है कि एक सर्कमफेरेंस में होगा। तो एक बोन के जो सर्कमफेरेंस जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली पेरीफेरल लेयर ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट जस्ट बिलो द पेरिओस्टियम।
एंड इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली अराउंड द बोन मैरो कैविटी। जो आउटर होता है वो पेरिफेरल लेयर ऑफ मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द पेरिओस्टियम। जो पेरिओस्टियम होता है मतलब जो आउटर कवरिंग ऑफ जो बोन होता है उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में है ये पेरिओस्टियम है और ये जो आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली देख सकते हैं आप जस्ट जस्ट इसके बिलो है, तो इसलिए ऐसा लिखा गया। और जो इनर है ये देखिए, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली वो ये वाला है, ये किसके साइड में है, ये बोन मैरो के साइड में है, ये बोन मैरो है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो बोन मैरो है ये इसी लाइनिंग में है, तो ये जो लाइनिंग में बना हुआ है ये बोन मैरो के सर्कमफेरेंस में है, यहाँ पे वही लिखा गया इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली अराउंड द बोन मैरो कैविटी। तो ठीक है, हमने ये जान लिया। अभी हम एंडोस्टियम में चलते हैं जो कि हमारा थर्ड पार्ट था, हमारा जो थर्ड पार्ट था एंडोस्टियम उसके तरफ चलते हैं। एंडोस्टियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, ये दो लेयर से कंसिस्ट हुआ रहता है, टूवर्ड्स बोन मैरो कैविटी लेयर लाइंड बाय रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने आरएफसीटी पढ़ा था तो तब हमने ये वाला एंडोस्टियम एग्जांपल वहाँ पे पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि आउटर कवरिंग ऑफ जो बोन मैरो होता है उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। टूवर्ड्स बोन मैरो कैविटी लेयर लाइंड विथ आरएफसीटी और टूवर्ड्स मैट्रिक्स ऑफ बोन एंडोस्टियम लाइंड विथ लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। एक तो ये होता है बोन मैरो कैविटी के अराउंड उसका जो कवरिंग होता है, और एक होता है मैट्रिक्स ऑफ बोन एंडोस्टियम लाइंड विद लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, हम आगे पढ़ते हैं फिर जानेंगे, दे डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट एंड सिंथेसाइज मैट्रिक्स, सो ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल पेरिफेरली एंड सेंट्रल रीजन। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ बोन जो ग्रोथ करता है वो बाई डायरेक्शन में करता है, मतलब दो डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होता है। एक होता है पेरिफेरली, मतलब कॉर्नर से उसका भी, अगर एक कॉर्नर से देखें तो उस कॉर्नर से भी उसका ग्रोथ होता है, और सेंट्रल रीजन अगर बीच के रीजन को भी देखें तो उसका भी ग्रोथ होता है। लेकिन जो कार्टिलेज का ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, दो डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो इतना ही है, अभी हम बोन मैरो कैविटी की तरफ चलते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट था हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर टॉपिक के, तो बोन मैरो कैविटी में चलते हैं। इन द सेंट्रल रीजन होलो कैविटी इज प्रेजेंट इन विच इज प्रेजेंट इन विच इज फील्ड विथ येलो बोन मैरो। तो ये है बोन मैरो कैविटी, मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है बोन मैरो कैविटी यहाँ पे लिखा गया, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का है, तो यही है येलो बोन मैरो जो कि बोन मैरो कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो इतना ही है, अभी हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मामेलियन बोन। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स की तरफ, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ये डायग्राम आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, अभी मैंने जो भी पढ़ाया ये सब उसमें प्रेजेंट है, एपिफेसियल प्लेट, ट्रेबेक्यूले, पेरिओस्टियम, वोल्क्समैन कैनल, एंडोस्टियम, हेवर्सियन कैनल, बीएमसी, सब प्रेजेंट है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ बोन में चलते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं। पहला है कार्टिलेजिनस बोन्स रिप्लेसिंग या फिर एंडोकॉन्ड्रियल बोन्स, ये क्या होता है देखते हैं। दिस बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, अभी थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, मैंने भी यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, ओसिफिकेशन ऑफ नहीं होना चाहिए इधर, ओसिफिकेशन इन प्लेस ऑफ कार्टिलेज, मतलब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कार्टिलेज चेंज होके बोन बन जाए, मैंने आपको ओसिफिकेशन का मतलब पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ बोन, तो अगर कार्टिलेज की जगह बोन फॉर्म्ड हो जाए तो उसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस बोन्स या फिर रिप्लेसिंग बोन्स, इसलिए उसका नाम रिप्लेसिंग पड़ा। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बोन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, दो तरह के सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक कॉन्ड्रोक्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट। तो आप याद कीजिए कॉन्ड्रोक्लास्ट का क्या काम था, इसे हम कहते थे कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, तो ये रीऑब्जॉर्ब करेगा कार्टिलेजिनस मैटर को, रीऑब्जॉर्ब कर लेगा मतलब उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते थे, तो जिस जगह पे कॉन्ड्रोक्लास्ट होगा उसी जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, तो बोन जो कार्टिलेज होगा वो बोन के साथ रिप्लेस हो जाएगा।
देखते हैं, विच डिपोजिट बोनी मैटर इन टू कार्टिलेज सो कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। मैंने आपको बताया कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो जाएगा, हैंस दिस बोन्स आर कॉल्ड रिप्लेसिंग बोन्स। ठीक है, हमने जान लिया ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देख लीजिए, मैक्सिमम बोन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक लिम्ब बोन्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, मतलब हमारे पैर के जो लिम्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और रिब्स, रिब केज भी जो होता है उसमें ये बोन पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं पूरा पेज दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ठीक है, अभी हम मेम्ब्रेनियस बोन्स या फिर डर्मल बोन्स या फिर इन्वेस्टिक बोन्स में चलते हैं। दिस बोन्स आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस। अगर डर्मिस की कनेक्टिव टिश्यू में अगर ऑसिफिकेशन हो गया तो उसे मेम्ब्रेनियस बोन, डर्मल बोन या फिर इन्वेस्टिक बोन कहते हैं। अगर ऑफ डर्मिस जगह ओवर डर्मिस भी हुआ तो भी चलेगा, उसके ऊपर होगा होना चाहिए या फिर उसी को कन्वर्ट करके होना चाहिए, तो सेम चीज़ है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, प्यूबिस, स्टर्नम, नासल बोन, क्लेविकल, स्कैप्यूला, जॉ बोन, फ्लैट बोन ऑफ स्कल। ये सब बोन्स के नाम हैं, ये हम अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे हमारे लोकोमोशन मूवमेंट में, इसमें सारे बोन्स के नाम दिए गए। तो अभी आप थोड़ा याद कर लीजिए, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे सब। अभी आ जाते हैं सिस्मॉइड बोन्स में। दिस बोन्स आर डेवलप्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स एट द जॉइंट्स। अगर कोई भी जॉइंट में, हम जानते हैं टेंडन मसल को बोन के साथ जोड़ता है, तो अगर कोई भी जॉइंट में टेंडन का ऑसिफिकेशन हो जाए, मतलब टेंडन में अगर ऑसिफिकेशन हो जाए तो उसे सिस्मॉइड बोन्स कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक पेटेला और एक पिसिफॉर्म। पेटेला मतलब नी कैप, जो हमारा नी होता है, मतलब जो पैर को जोड़ता है, जो मुड़ता है पैर, वो जो नी होता है इस जगह पे हमारा पेटेला होता है, नी कैप। लार्जेस्ट सिस्मेट बोन, सबसे ज़्यादा सिस्मेट बोन उन्हीं पे होते हैं। एक और होता है पिसिफॉर्म, अभी मैंने जो दिखाया रिस्ट बोन, इधर पिसिफॉर्म होता है, रिस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ पे इस जगह के जो बोन होते हैं उसे पिसिफॉर्म कहते हैं। अभी हम विसरल बोन्स की तरफ चलते हैं। इफ ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द विसरल ऑर्गन देन विसरल बोन्स आर फॉर्म। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, मतलब इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन है उसको विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो विसरल ऑर्गन में अगर बोन्स फॉर्म हो जाए तो उसे विसरल बोन्स कहते हैं, और इन ह्यूमंस में ये बोन्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक डियर में, एक डियर में, एक क्रोकोडाइल में और एक पिग में, ये तीन तो एग्जांपल है, आप याद कर लीजिए, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हो गया, टाइप्स ऑफ बोन्स भी हो गया। अभी हमारा बोन टॉपिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में और दो टॉपिक हैं। एक तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए एनसीईआरटी का एक पिक है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक मसल टिश्यू है, एक और न्यूरल टिश्यू है। ये एनसीईआरटी में इतने अच्छे से नहीं दिया गया, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ पे हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये जो मसल चैप्टर है वो हम लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरल पढ़ेंगे। तो अभी जो एनसीईआरटी में मसल टिश्यू दिया गया, अभी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, इन पूरा इन डेप्थ हम पढ़ेंगे वहाँ पे लोकोमोशन मूवमेंट में। तो वैसे आज हम न्यूरल टिश्यू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका कुछ मतलब इधर इतना इम्पोर्टेंटली दिया नहीं है कुछ। तो ठीक है, अभी हम मसल टिश्यू पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेस। तो सब मसल जो होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से बने होते हैं, जो एरेज में अरेंज्ड होते हैं। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा वेट कर लीजिए, हम उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते मसल टिश्यू से और न्यूरल टिश्यू से, तो थोड़ा आप इंजॉय कीजिए कि ये सुन के कि बाद के चैप्टर्स में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं छोटे होके, शॉर्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का पार्ट है, इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, जो कि उस चैप्टर में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है,
ये एनसेट में भी दिया गया है, और अगर हम थोड़ा बाहर के बुक्स में देखें उसमें भी दिया गया है। तो ये थ्योरी बताता है कि जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो कैसे उसका साइज छोटा बड़ा होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और रिलैक्स कर पाए, ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। मसल्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में जानते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स। बाइसेप्स मतलब जो कुछ बच्चे फ्लेक्स मारते हैं ऐसा करके, तो यही जगह है बाइसेप्स जो दिखता है। स्ट्रेटेड स्ट्रिप्ट स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। मतलब ये बताया गया कि कुछ कुछ मसल्स जो कि स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड का मीनिंग क्या है, क्या होता है, सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। ये पैरेलली फिक्स होते हैं सब स्ट्रेटेड मसल्स, और जो स्केलेटल मसल है उसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पे इसके डायग्राम में लिखा गया है, देखिए ये जो स्केलेटल मसल है इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये है स्केलेटल, ये है स्मूथ और ये कार्डियक। ठीक है, हमने जान लिया इतना। यहाँ पे भी लिखा गया है, देख लीजिए, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 20 न्यूरल लोकोमोशन मूवमेंट में। तो ठीक है, अभी हम स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के बारे में जानते हैं। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेसन्स। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। मतलब ये बताया गया है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इन हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इनवॉलेंटरी वर्ड है इसका मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप हार्ट के बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो अपने मन से चलता रहेगा। क्या आप डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि फूड इतना तक जाए फिर रुक जाए? ऐसा तो नहीं होगा, वो स्टोमक तक जाएगा ही। तो ये सब जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही बताया गया है इधर कि जो भी काम होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं। तो ठीक है, अभी हम कार्डियक मसल की तरफ चलते हैं। ये भी इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, कार्डियक मसल कहाँ काम आता है? आपके हार्ट में, हार्ट बीट को जो कंट्रोल करता है वो कार्डियक मसल्स करते हैं, और ये इनवॉलेंटरी होते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। दैट इज व्हेन द सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहा गया है कि इसको जब भी कोई मैसेज आता है हमारे ब्रेन से कि ताकि हार्ट बीट कराना है, तो ये हार्ट बीट मतलब ये हार्ट को से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में मदद कराता है। इतना ही लिखा है, इसके और भी डिटेल में जानेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। न्यूरल टिश्यू जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ऐसा इतना कुछ खास है नहीं, तो उसको हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तीनों का डायग्राम है, आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, आज इतना में वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कॉकरोच पढ़ेंगे। जो हमारा फ्रॉग और आर्थवर्म टॉपिक है वो नीट के सिलेबस में नहीं आता, तो इसीलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि बोर्ड के लिए अगर हम उसको पढ़ाएं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे वो भी पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, बाकी चैप्टर्स भी तो चैनल में आ रहे हैं, आप उसे चेकआउट कीजिए। और आज यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।